है दोस्तों, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था इस सेल के अंदर 13,000 के अंदर एक बढ़िया सा 5G स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, बट कंफ्यूज है कौन सा स्मार्टफोन या कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम बहुत सारा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने टॉप 5 बेस्ट टॉप नॉइस लेवल का 5G स्मार्टफोनों को सिलेक्ट किया है, जिसे आप लोग 13,000 के अंदर परचेस कर पाओगे। और दोस्तों, ये सारे स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस के साथ साथ टॉप नॉइस लेवल का कैमरा दिया गया है, बढ़िया डिस्प्ले के साथ बिग रैम बिग स्टोरेज और बड़ा बैटरी का सपोर्ट मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है लाभाब्लेच X5G। 15,000 के अंदर कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला एक बढ़िया सा स्मार्टफोन जो है, तो आप लोग डेफिनेटली लाभाब्लेच X5G की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस 3D का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz सपोर्ट दिया गया है। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 6300 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 420,000 के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल गया था। 13 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो स्मार्टफोन के पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी सेंसर के साथ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 33W फास्ट चार्जिंग। तो स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 4GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट लागे 13,249 रुपीज में मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है पोको X6 नियो 5G। 15,000 के अंदर पोको की तरफ से एक जबरदस्त लेवल का डिस्प्ले के साथ एक बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए, तो आप लोग डेफिनेटली पोको X6 नियो की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को। 1000nitpick ब्राइटनेस मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 6080 का 5G चिपसेट मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 430,000 के आसपास एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। 7 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है। परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छा देखने को मिल जाएगा। कैमरा का बात की तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। 180 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 33W चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। MIUI 14 पे बेस्ट होगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 6GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट लागे 12,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है Realme P1 5G। 15,000 के अंदर टॉप नॉइस लेवल का डिस्प्ले और पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आप लोग डेफिनेटली Realme P1 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 2000nitpick brightness HDR का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन में डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 का 5G चिपसेट मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 6 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल जाता है। 9 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में टॉप नॉइस लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात की तो स्मार्टफोन के पीछे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का और एक सेंसर दिया गया है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 8K पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 45W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। Realme UI 5.0 पे बेस्ड है। स्मार्टफोन में IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। और प्राइस की बात की तो 6GB रैम 128GB डिस्काउंट लागे 13,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है नथिंग की तरफ से CMA Phone 1। 15,000 के अंदर एक बढ़िया सा स्मार्टफोन चाहिए, तो आप लोग डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है
का सपोर्ट दिया गया है। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की मीडिया डेक की तरफ से डायमंड सीरीज 7300 का प्रोसेसर मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस्ड है। 6.5 लाख का ऊपर एंड्रॉइड फोन निकल आता है। LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है और 10 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 33W चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, नथिंग ओएस पे बेस्ड है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और आप लोग चाहे तो स्मार्टफोन का पीछे का केस चेंज कर सकते हो। और प्राइस को बात की जो 6GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट लगाकर 13000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M35। सैमसंग की तरफ से एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लेने जाते हो तो आप लोग डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M35 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz रिफ्रेश को। 1000nitpick brightness गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है प्राइस के अकॉर्डिंग। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की तो सैमसंग की तरफ से Exynos 1380 का प्रोसेसर मिल जाता है जो 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 6 लाख के करीब एंड्रॉइड स्कोर निकल आता है। 13 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में वायरलेस का सपोर्ट दिया गया है। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा जो कि सपोर्ट करता है 25W चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, UI 6.1 पे बेस्ड है। स्मार्टफोन में 4 साल का OS अपडेट, 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट लगाकर 13,749 रुपीज में मिल जाएगा।